So here's the question. For x greater than 0, let h of x is equal to 1 upon q if x is equal to p by q. यानी x rational number है और p और q यहाँ पर positive दिए गए हैं. They are relatively prime integers. Okay. और 0 है अगर x irrational. ठीक है. Then which of the following does not hold good? So this is the question asked from us. चार options हैं हमारे पास. हमने एक option कौन सा सही है उसके बारे में बात करनी है. So let me go directly to the solution. देखिए हमें कहा गया है कि अगर p by q है x की वैल्यू जहां पर p और q पॉजिटिव है दोनों, तो hx की वैल्यू 1 upon q आ जाएगी. तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, x की वैल्यू 2 by 3 ले ली जो कि एक रैशनल नंबर है. ठीक है ना, जो कि एक रैशनल नंबर है. तो h of 2 by 3, अब p की वैल्यू यहां पर 2 हो गई, q की वैल्यू 3 हो गई, तो ऑब्वियसली h of 2 by 3 की जो वैल्यू है वो 1 upon 3 आ गई. सही. अब हम लिमिट निकालना चाहते हैं कहां पर, 2 by 3 के नियर, 2 by 3 के नेबर में. यानी 2 by 3 पर मैं चेक कर रहा हूं कॉन्टिन्यूटी, चेकिंग दी कॉन्टिन्यूटी, आई एम चेकिंग दी कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 by 3. तो 2 by 3 पर तो वैल्यू अपने पास आ गई 1 by 3. अब 2 by 3 के प्लस में बात करेंगे और 2 by 3 के माइनस में बात करेंगे. अब 2 by 3 प्लस t पर बात करी तो हम कह सकते वो एक इरेशनल वैल्यू, यानी एक इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने हमें दी है डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन दी है हमें, कि अगर वो hx की वैल्यू 0 है, अगर x एक इरेशनल नंबर है, तो 2 by 3 plus t पर हम वैल्यू कह सकते हैं लिमिट की कि वो 0 आ जाएगी. मेरी बात समझ में आती है कि ये वैल्यू यहां पर 0 आ जाएगी, दिस वी कैन फॉर श्योर से. तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 by 3 पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आ रही है. और 2 by 3 केवल 2 by 3 पर बात क्यों करें हम तो किसी भी रैशनल नंबर पे बात करें, क्योंकि देखा जाए हम श्योरली नहीं कुछ भी कमेंट कर सकते कि मान लो 2 by 3 एक रैशनल नंबर है. अब रैशनल नंबर का नियरेस्ट पड़ोसी राइट या लेफ्ट पड़ोसी रैशनल होगा या इरैशनल होगा, हम कुछ भी एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर सकते. तो उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम नहीं कह सकते कन्फर्म. तो हम ये कह सकते हैं, मतलब कहने का, कि वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा किसी भी इंटीजर पर, क्योंकि लिमिट की बात करूंगा 2 by 3 plus t पर वो वैल्यू 0 आ जाएगी. क्लियर है बात समझ आ रही. तो इसी तरह अब ध्यान से देखें ऑप्शंस पे बात करूं. अगर मैं ऑप्शंस ने हमें कहा डिसकंटीन्यूअस फॉर ऑल x इन 0 से इंफिनिटी, कॉन्टिन्यूअस फॉर ईच इरेशनल, discontinuous for each rational and non-derivable for all x in open 0 से open infinity. सही है, मतलब rational और irrational values of the x input पर हमें बात करनी पड़ेगी function की. यही है सवाल हमारा basically. तो ठीक है, मैंने क्या करा, एक मिनट के लिए एक root 2 एक number लिया x equal to under root 2, जो कि हम जानते हैं rational belong नहीं करता, rational number नहीं है, वो एक irrational number है. root 2, रूट टू ही क्यों लिया, अभी आप समझ जाएंगे मैंने रूट टू ही क्यों लिया. अब रूट टू पर वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि इरेशनल नंबर पर तो वैल्यू जीरो आ रही है. अब रूट टू की वैल्यू 1.414 अप्रोक्सीमेटली सभी को इतनी याद रहती है. अब ये मान करके चले, और ये नेवर एंडिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है केस, क्योंकि इरेशनल नंबर है अपन जानते हैं. तो टेंटेटिव वैल्यू आपके सामने कुछ ये लिखी गई है अंडर रूट टू की, ये होती है. तो अंडर रूट टू पर वैल्यू मैं इसको अगर इस डेसिमल को हटा दूं मैं, तो अपॉन इस अगर मैं डेसिमल को हटा दूं तो अपॉन 10 रेस टू द पावर 10 लिख सकता हूं. आगे जाऊंगा और 10 की पावर बढ़ती चली जाएगी, और 1 अपॉन 10 की पावर n, n बढ़ाता जाऊंगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो 1 अपॉन 10 की पावर n जो है वो टेंड्स टू 0 होता चला जाएगा. आई श्योर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो यानी बेसिकली ये एक तरीके से मैं इसको h ऑफ 0 ही लिख सकता हूं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि h is continuous for all irrational numbers. सोच करके देखें आप, h क्या होगा, continuous होगा किसके लिए, क्योंकि 0 into any number वो एक 0 होता चला जाएगा, है ना, 1 upon 10 raised to power n के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है
एन इन्फिनिटी को चलता चला जा रहा है तो जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर विल बी अ वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, तो एच ऑफ जीरो आ जाएगा। यानी किसी भी, अब रूट टू नहीं है, यानी किसी भी इरेशनल नंबर पर बात करूंगा तो वैल्यू हमेशा एच ऑफ जीरो ही आएगी। तो इसका मतलब एच के बारे में हम बोल सकते हैं वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर अगर देखें ए, एच इज, हमें क्वेश्चन में कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड, कौन सा सही नहीं है। अब ए ऑप्शन कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूस हर एक एक्स के लिए, भैया गलत है बात ये, क्योंकि आपने ये प्रूव कर दिया कि एच कॉन्टिन्यूस है किसके लिए, हर इरेशनल नंबर के लिए एच एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा।